न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज बहुत छोटी बात करने जा रहे हैं। आज सिर्फ ईश्वर भगवान परमात्मा खुदा के प्रति जो श्रद्धा है वो कैसी होनी चाहिए, वो एक मिसाल दे के आपको बता देना चाहते हैं। कोई उपदेश नहीं देना चाहते, एक कहानी, और आप समझ जाएंगे कि खुदा पे, ईश्वर पे, भगवान पे कैसा भरोसा होना चाहिए, कितना पक्का भरोसा होना चाहिए। बात है राबिया की। राबिया एक महान सूफी संत हुआ करती थी, अरबस्तान में रहती थी और बहुत बड़ा नाम था राबिया का। वो गुलाम हुआ करती थी, अफ्रीका से उसे पकड़ के गुलाम के रूप में पकड़ के लाया गया था। मगर जब राबिया ने जो ईश्वर भक्ति की मिसाल दी, उनके मालिक ने उनको रिहा कर दिया, गुलामी से मुक्त कर दिया और राबिया एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। राबिया मानो अपनी मीरा थी, वहां की मीरा बनी हुई थी। तो एक दिन सुबह में तीन संत राबिया के घर आ गए। बड़े दूर रहते थे, वो भी सूफी संत थे। चलते चलते कोई चार पांच दिन की मजल काट के यहां आए थे। हुआ ये था कि ये तीनों संत कोई चर्चा कर रहे थे, धर्म की बहस कर रहे थे और एक दूसरे से मतभेद हो गया कि मोहम्मद पैगंबर साहब इसके बारे में क्या कहना चाहते थे। तो कहा कि चलो हम क्यों खाम खा इतनी लंबी चर्चा खींचे जा रहे, राबिया से ही पूछ ले कि इसका मतलब क्या है। तो वो राबिया से धर्म की चर्चा करने आए थे। सुबह में आ गए 9:30 बजे और वहाँ फिर चर्चा शुरू हुई और चारों संत बड़ी मस्ती से भगवान का, परमात्मा का, खुदा का गुणगान कर रहे थे, कुरान पे चर्चा कर रहे थे, मसीहाओं पे चर्चा हो रही थी, सूफियाना बातों पे चर्चा हो रही थी। राबिया सब समझा रही थी संतों को। तो उसमें से एक संत थे, वो तो राबिया से भी बड़े थे। वो राबिया को बार बार कहते थे कि राबिया आपने मेरी आंखें खोल दी, राबिया तूने मेरा दिल का दिल खोल दिया, राबिया तूने मेरे पे परमात्मा की कृपा आ गई तेरी वजह से। तो राबिया इतनी विद्वान थी, मगर जब दोपहर हुई, राबिया संत थी फिर भी वो एक औरत थी, स्त्री थी। दोपहर का टाइम हुआ, राबिया को याद आया कि मेरे घर मेहमान है, मुझे कुछ खाना खिलाना चाहिए। तो राबिया झोपड़े के एक कोने में गई जहां उनका रसोई लगी हुई थी। वहां देखा मुश्किल से दो रोटी बने, इतना लोड पड़ा हुआ था, दो ही रोटी बन पाती। अब वो तीन संत भी देख रहे हैं कि राबिया का क्या कर रही है। उन्होंने देखा राबिया ने दो रोटी बनाई, दादी राबिया हिचक रही थी, झिझक रही थी, सोच रही थी कि मैं तो, मुझे तो नहीं खाना है आज, मगर ये तीन पुरुष महापुरुष आए हुए हैं, मैं सबको एक एक रोटी भी नहीं दे पाऊंगी, टुकड़े करके दूंगी। बड़ा दर्द हो रहा था राबिया के दिल में, फिर भी वो दो रोटी लेके खड़ी हुई और बाहर से आवाज आई झोपड़े के बाहर से कि राबिया राबिया अल्लाह के नाम पे दे दे। अब वो जो दो रोटी लेके वो तीन संतों को खिलाने जा रही थी, राबिया एक मिनट भी नहीं झिझकी, उन्होंने जाके वो दो रोटी बाहर गरीब जो आवाज दे रहा था उसे दे दी और आके वापस बैठी। फिर चर्चा शुरू हुई, फिर चारों संतों ने, इतनी बढ़िया बातें हो रही थी। इतने में एक नौकरानी, दरवाजे तो थे नहीं झोपड़ी को, अंदर घुसी चली आ रही है, कह रही है राबिया राबिया देख मेरे सेठ ने तेरे लिए रोटी भेजी है। राबिया खड़ी हुई, उन्होंने रोटी गिनी, चद्दर से ढकी हुई थी, चद्दर हटाई, रोटियां गिनी और फिर चद्दर डाल के कहा कि माफ करना ये रोटी मेरे लिए नहीं है, तुम वापस ले जाओ। फिर बहुत लंबी चर्चाएं शुरू हुई। अब दोपहर भी ढलने को आ गई थी। वो चारों सूफी संत थे जिन्होंने निंद्रा पर, आहार पे, सब पर कंट्रोल पा लिया है। सूफी संत निंद्रा पे कंट्रोल करते हैं, रात को वो सोते नहीं है, दिनों दिन कई दिनों तक वो जागते रहते हैं, बिना पानी बिना खाए। तो वो तो तपस्वी थे बड़े, कोई विचलित नहीं हो रहा था कि आज का खाने का क्या होगा। इतने में एक फिर नौकरानी बड़ी ताशक लेके आई और ढकी हुई थी रोटियों से। उन्होंने कहा कि राबिया राबिया मेरे सेठ ने आपके लिए
रोटी भेजी है। राबिया उठ खड़ी हुई, रोटियां गिनी, उन्होंने कहा यहीं रख दे, अब खाने का टाइम भी हो गया है। तो वो सलाम दुआ हुई और वो चली गई। अब जो ये तीनों संत आए थे उसमें से एक बहुत छोटा, बिल्कुल युवानी में 15-18 साल का एक लड़का था, वो भी संत बन गया था, बड़ा पहुंचा हुआ संत था, फिर भी छोटा था उम्र में, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा राबिया मैं पूछना तो नहीं चाहता, रोटी कोई मायने नहीं रखती, खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, मगर जब दो रोटी बन ही गई थी, और आप तो जानती है कि हम चारों सूफी संत हैं, खाने पीने के लिए हम कोई बेबाक तो हो नहीं रहे थे, हम चारों आधी आधी रोटी खा सकते थे, तो आपने वो भिखारी को दे दी। और जब पहली बार रोटी आई, आप खड़ी हुई घिनी और आपने वापस भेज दी, वो तो अच्छी खासी रोटियां थी, कोई कम नहीं दिखती थी, मैं तो नहीं गिन पाया, मगर रोटियां ढेर बड़ा लगा हुआ था, हम सब खा सकते थे, वो आपने वापस भेज दी। और फिर तीसरी बार जब रोटी आई, आपने फिर गिनी और फिर रखा कि हम सब अब भोजन करेंगे। तो हम जानना चाहते हैं राबिया कि क्या माजरा है, क्या इसमें रहस्य है, क्या बात हुई है। राबिया मुस्कुराई, राबिया ने कहा मैं संत हूं मगर औरत भी हूं, जब मेरे पास दो ही रोटी का जुगाड़ हुआ, मैं रो ही दो ही रोटी बना रही, मैं दुखी हो रही थी कि आप तीन है, मैं तो नहीं खाऊंगी मगर आप तीन है, फिर भी मुझे टुकड़े करके आपको रोटियां देनी पड़ेगी, और इतने में बाहर से आवाज आई कि अल्लाह के नाम पे दे दे। मुझे फौरन याद आ गया कि पैगंबर साहब ने कहा है कि अल्लाह के नाम पे जो देगा तो 10 गुना वापस आएगा। तो मैंने कहा भाई दो रोटी से तो काम नहीं बनता, इसे दे ही दे, अल्लाह के नाम पर दे ही दे। अब मैंने रोटी दे दी। जब पहली रोटी आई, आप जानते हो मैंने गिनी, वो 16 थी, तो मैंने कहा भगवान से, याद रख रहे ये बात, राबिया ने कहा, मैंने कहा भगवान से, खुदा से, कि खुदा तेरा तू वचन तोड़ रहा है, तूने आपने कहा था कि 10 गुना दूंगा, वो मेरे लिए तो मांग नहीं रही हूं, मेरे मेहमानों के लिए मांग रही हूं, और आप वचन तोड़ रहे हो, 10 गुना नहीं है 16 ही है, मेरी 20 रोटी कहाँ है। तो मैंने वो गिन के वापस भिजवा दी, क्योंकि मैं समझ ही गई थी कि मैंने जो रोटी अल्लाह के नाम पे दी है उसका ये परिणाम नहीं है, ये कोई दूसरी जगह से आई है जो मेरे हक की नहीं है। मुझे यकीन था कि मेरे हक की, मेरे अल्लाह ताला की रोटी आएगी। और जब दूसरी बार रोटी आई, मैंने उठाई गिनी, 20 थी, तो मैंने कहा कि ठीक है ये हमारी रोटी है। बहुत चर्चे हैं इस बात के, बहुत वर्जन बने हुए, बहुत लोगों ने बहुत तरह से ये बात कही है, कहीं मैं गलत भी थोड़ा कह गया हूं तो माफी चाहता हूं। बहुत बार ये कहानी मैंने पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, कल रात फिर पढ़ ली तो दिल बाग बाग हो गया। सोचता हूं कि अल्लाह पे, भगवान पे, ईश्वर पे हम सब क्यों रबिया के जैसा भरोसा नहीं रख सकते, क्यों हम आधी थाली भी ले लेते हैं, क्यों हम 16 रोटी को स्वीकार कर लेते हैं। अल्लाह ने जब कहा है, भगवान ने कहा है, हिंदू धर्म में भी कहा है कि जी जो भी दान करोगे 10 गुना वापस आएगा। तो यकीन रखे, भगवान पे श्रद्धा रखे, आपके पास सिर्फ 2 रोटी है, तो अगर अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, समाज के नाम पर देनी है तो आप उसे भी दे दो, आप फाका कर लो, आप उपवास कर लो, आप नहीं खाएंगे, आप अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, समाज के लिए वो दे देंगे, समाज को दे देंगे, मगर वो जरूर वापस आएगा, क्योंकि भगवान की, हिंदू धर्म के शास्त्रों की, कुरान की, अल्लाह ताला की ये प्रॉमिस है, उन्होंने वचन दिया है हमें कि मैं आपको जरूर वापस करूं। तो ये श्रद्धा की एक अद्भुत कथा है। मैं नतमस्तक हूं आज,
वो राबिया के लिए, जिन्हें भरोसा था कि ये 16 रोटी मेरी नहीं है, मेरी 20 रोटी जरूर आएगी। हम भी जीवन में इतना ही इंतजार कर ले, इतना यकीन कर ले, इतना भरोसा कर ले भगवान पर, खुदा पे। तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारे जीवन में भी कभी कोई तकलीफ या दुख हो। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।